दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को काफी दिनों से बायकॉट करने का सामना करना पड़ रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर पर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल रक्षाबंधन की लेखिका अनिका ढिल्लों के कुछ पुराने ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लोगों ने हिंदू विरोधी बताया है। और अब इन वायरल ट्वीट पर बॉलीवुड की धाकड़ अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत ने बॉलीवुड के हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अभिनेत्री ने बॉयकॉट रक्षाबंधन पर भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कंगना रनौत ने रक्षाबंधन की राइटर को निशाने पर ले लिया है और उनके ट्वीट को हिंदू विरोधी बताया है। जिस पर अभिनेत्री ने लिखा, हाहा, उन्हें आर्थिक नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आर्थिक नुकसान का ही डर है। डर ही उनसे हिंदू फोबिया और भारत विरोधी ट्वीट से डिलीट करा सकता है और कुछ नहीं। अक्षय कुमार की फिल्म लेखिका कनिका ढिल्लों ने लिखी है। सोशल मीडिया पर कनिका के हिंदू फोबिक ट्वीट सामने आए हैं। इसके बाद से ही सारा विवाद खड़ा हुआ है। लेखिका ने अपने ट्वीट में भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनिका ने अपने कई पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि वो ट्वीट हिंदू विरोधी थी, जिस पर लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। कई लोगों ने दावा किया कि कनिका ने बार बार हिंदू मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं पर हमला किया है, इसलिए उनकी फिल्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए।